दोस्तों, यदि आप 18 साल के हो चुके अभी तक आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाए तो आज के वीडियो में देखेंगे कैसे आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो सर, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकेंगे या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको होटल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको लेट स्टार्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सेंड ओटीपी क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाए, ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको एस आई एम अप्लाई फर्स्ट टाइम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यदि आप एक इंडियन आप इंडिया में रहते हो तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर एक आप इंडियन पर अभी आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आपको सेकंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट स्टेट पर क्लिक करके अपने स्टेट को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपने सेलेक्ट को स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपने डेट ऑफ बर्थ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से आपको फिल कर देना है। अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आपको सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा आप डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे इसको डाउन करने के बाद आपको अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए होंगे, जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने आधार कार्ड की कॉपी यहाँ से मैंने अपलोड कर लेता हूँ। आधार कार्ड को मैंने अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद इसको मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद यहाँ पर आप नीचे इसको डाउन करेंगे। यदि आप 21 साल के ऊपर है तो आपको एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो आपको डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड करके इस फॉर्म को प्रिंट आउट करके अपना फिल कर देना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक करके इस फॉर्म को यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद आपको इसको डन करेंगे एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपलोड फीचर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड कर लेना, जिसका साइज 200 KB तक होना चाहिए। इसके बाद इस फोटो को डन करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर फिल करेंगे, मेरा फीमेल। इसके बाद इंटर नेम अपने फर्स्ट नेम को फिल करेंगे। इसके बाद नेम रिलीजन पर क्लिक करेंगे। आपका जो नेम है आपका हिंदी में हो जाएगा। यदि आप लगता है कि ये आपका नेम जो हिंदी में रोंग है तो आप इसे एडिट कर सकेंगे। फिर सर नेम फिल करेंगे एंड सर नेम रिलीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका हिंदी में नेम यहाँ पर आपको कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर शो करेगा। यहाँ पर अपने ईमेल आईडी फिल करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ प्रकार से इंटर पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर अपने रिलेटिव को नेम को फिल करेंगे। अपने पिता की पति के नेम को यहाँ पे फिल करना है। इसके नेम ऑफ लीजने पे क्लिक करेंगे, जो आपका हिंदी नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद अपने पिता पति के पास वोटर कार्ड है तो अपने वोटर कार्ड के नंबर को फिल करेंगे। इसके बाद लेसन आपको फादर मदर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है आपको अपने करंट एड्रेस आपको फिल कर देना है। करंट एड्रेस फिल करने के बाद आपको एरिया टाइप पर क्लिक करेंगे। आपका आपका जो एरिया टाइप है सिटी टाउन विलेज है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप अपने स्टेट को फिल करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर अपने डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे। फिर इसके बाद आपको असेंबली पे क्लिक कर अपने विधान क्षेत्र, यहाँ से अपने विधान क्षेत्र को यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। विधान क्षेत्र को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने एड्रेस प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो इस आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक कर एंड गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट को यहाँ से आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंस पर आप इस एड्रेस पर कब से रहो, जन्म से डरे हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट पर अपने फुल नेम को यहाँ से आपको फिल कर देना है। अपने नेम को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्लेस पर आपने सिटी के नेम को यहाँ से आपने फिल कर देना है। इसके बाद आपको डन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपने फॉर्म को एक बार आपको देख लेना है, आपने जो भी फॉर्म फिल किए होंगे। यदि आपको लगता है कि ये फॉर्म रॉन्ग है तो आप इसे कैंसिल करके आप इसे एडिट फॉर्म भर सकेंगे। यदि आपको लगता है इस फॉर्म आपने जो फॉर्म फिल किया बिल्कुल सही है तो आपको लास्ट ऑप्शन आपको दिख जाता है कंफर्म, तो आपको कंफर्म के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुका है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको जो रिफ्रेंस नंबर है इसको आपको नोट करके आपको रखना है। इसके बाद आपको ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने वोटर कार्ड के स्टेटस चेक करने के लिए एक्सप्रो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टेटस और एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करने के बाद आपको इंटर रिफ्रेंस आईडी जो आपने कॉपी या नोट करके रिफरेंस आईडी रखे इसको आपको यहाँ पर फिल करने के बाद ट्रैक स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपका वोटर कार्ड का स्टेटस रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आपका जो वोटर कार्ड पहले सबमिटेड होगा, फिर वीआरओ अपॉइंटमेंट होगा, फिर फेल्ड वेरीफाई हो जाएगा,
फिर इसके बाद आपका जो भी फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसके बाद आपको दिख जाता है। इसके बाद वोटर कार्ड आपके बनने के 90 दिनों के अंदर जो आपका वोटर कार्ड आपके एड्रेस पर पहुँचा दिया जाता है बाई स्पीड पोस्ट की सहायता से। इस प्रकार से आप घर बैठे वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।